एग्जॉस्ट की साउंड आप एक बार दोबारा सुनना। चीज है कि इसके जो अलॉय है वो भी चेंज किए हुए 25,000 के इसमें अलॉय पड़े हुए हैं इस टाइम। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपना व्लॉग हम शुरुआत कर रहे हैं ब्लेड पे। भाई ये ब्लेड जो है ना इतनी पसंद है ना मुझे, तो आज मन कर रहा था कि इसका फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो एक बना लूँ मैं। अभी देखो ब्लेड के साथ और ऑफ रोडिंग नहीं होगी तो वो अलग बात है। भाई ये देखो कहाँ से उतार रहा हूँ मैं। भाई कितना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अभी यार यहाँ पे, क्योंकि पत्थर जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो फाइनली गाइज अब मचाने वाला हूँ मैं धूम इस पे। अभी जो मजा आएगा ना ब्लड चलाने में, क्योंकि ब्लड का कलर ही मेरा फेवरेट है रेड, इसको थोड़ा थ्रॉटल पकड़ के रखना पड़ता है यार। ये BS6 जब मैंने अपनी वाली बाइक ली थी ना RS 200, तो सेम टाइम पे ये भी निकाली थी हमने, तो इसका और उसके नंबर में टोटल 200 का फर्क है। लाइक कि मेरा 799 है, इनका 555 बनना है। ओ भाई ब्लड मस्त चल रही है, बट एक ही इशू आ रहा है मुझे इसमें अभी एक्सलेटर का थोड़ा सा। ये देखो एक्सलेटर छोड़ देते हैं ना इसमें, क्योंकि ये सेंसर वाली बाइकें इनमें बहुत ज़्यादा इशू रहते हैं यार। ये सेंसर वाली जो भी बाइक है ना इशू बहुत ज़्यादा रहते हैं इसमें। अभी जो इसमें बाइक में फीचर्स मैं आपको बताऊँगा फुल एक्सप्लेन करके, कि इसमें एग्जॉस्ट आप देखोगे ना इसका, भाई एग्जॉस्ट में अलग लेवल का है यार। एग्जॉस्ट का फैन है इसकी यार। भाई इसके एग्जॉस्ट का मैं इतना बड़ा फैन हूँ, कोई हद नहीं है यार, अलग ही लेवल का इसका एग्जॉस्ट है। इसका जो एग्जॉस्ट का साउंड आप सुनना है एक सेकेंड, अभी मैं आपको नीचे सुनाता हूँ आपकी एग्जॉस्ट का साउंड सब कुछ। अभी तो हम नीचे के लिए जा रहे हैं भाई ऑफ रोडिंग, इसलिए मैं ऐसी सी जगह ले रहा हूँ ब्लड को कि जहाँ से मेरे को पूरा लद्दाख वाला फील आया, लाइक वैसे जंप होना चाहिए। वो तो जट निकल गया भाई, ये देखो भाई पूरा लद्दाख वाला फील आ रहा है यहाँ से बाइक उतारने में। वो देखो भाई इसमें इशू यही आ रहा है ज़्यादा थ्रॉटल का, इसका थ्रॉटल का इशू क्लियर करना है। मैं नीचे इसका थ्रॉटल का इशू क्लियर कराता हूँ पहले, उसके बाद बाकी की वीडियो इस पर बनाऊँगा मैं, क्योंकि इसका थोड़ा एक्सलेटर जो है ना थोड़ा इम्प्रूव कर देंगे हम। देखो कंटिन्यू हम पकड़ेंगे ना, स्टार्ट हो जाती है, बट सीन क्या रह रहा है इसका एक्सलेटर का जो है ना, एक्सलेटर थोड़ा इशू कर रहा है इसका। और जम्मू वालों के लिए एक खुशखबरी है, ये हमारा स्टैंड पॉइंट है। लाइक यहाँ पे जितने मर्जी आपको स्टैंड करो, जितना मर्जी क्या करो, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है आपको। अगर ये जगह जम्मू में होती ना भाई अलग लेवल के स्टंट होते हैं। और जानू भाई का क्रेज, थोड़ा सा थ्रॉटल मैं छोड़ देता हूँ ठीक है, तो इसका रह रहा है इशू। ओ भाई क्या साउंड आ रही है, क्या फील आ रहा है कसम से यार इस वाली को चलाने में। इसमें तो चलाने में फील आ रहा है वो अलग लेवल का आ रहा है, अभी इतना ऑसम फील आ रहा है ना इस वाली को चलाने में। मन कर रहा है यार कंटिन्यू इसी को राइड करूँ हमेशा के लिए, बट हमको तो स्पीड चाहिए भाई, स्पीड में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरा कैमरा है ना ज़्यादा नीचे के लिए, क्योंकि मेरा क्या हुआ सीन, मेरी स्कूटी में रखा था मैंने पाउच में मेरा वो फ्रेंड का जो इसका हेलमेट का रियर किल होता है वो निकल गया है। भाई साउंड सुनो भाई, अभी हमको साउंड सुनाता हूँ मैं कुछ। और ये रही हमारी बाइक, इतनी प्यारी बाइक कसम से यार। ये देखो एक तो इसका प्रोजेक्टर आगे लगा हुआ है, रिंग लाइट, पहले रिंग लाइट और आगे स्टार, क्योंकि हर कोई जगह मैंने देखा वो स्टार वाला मैंने किसी जगह नहीं देखा। बॉस देखा मैंने, अलग स्केल्टन देखा मैंने, बट इसका जो स्टार वाला कॉम्बिनेशन है वो बहुत सही है। और बाकी का जो इन्फॉर्मेशन तो आपको बाकी का पता ही है, बट इसका एग्जॉस्ट देखो यार, एग्जॉस्ट का नाम भाई पता नहीं है मुझे, बट इसका जो एग्जॉस्ट है ना यार भाई इतना सही है, इतना लाउड है ना कोई हद नहीं है। इसका एग्जॉस्ट की साउंड आप एक बार दोबारा सुनना। अभी साउंड सुन तो गाइस अभी साउंड
गाइस अलग लेवल की इसकी साउंड है। और एग्जॉस्ट इसका यहाँ से चेंज हुआ है, यहाँ से आगे के लिए चेंज हुआ है, क्योंकि ज़्यादा हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये अगर हाथ लगाया ना मैंने इस पर तो हाथ जलने वाला है। तो लद्दाख के लिए तो मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं एनफील्ड ले लूँगा, क्योंकि RS वहाँ के लिए ठीक नहीं है, या तो मैं हिमालयन या तो बुलेट 350 क्लासिक लूँगा। ये जो है ना, ये भाई अलग ही लुक है यार इसका, कसम से यार इस वाली बाइक का क्या लुक है। और इसकी जो आइज़ है ना ब्लू कलर की, ये देखो छोटी छोटी आइज दो है इसमें ब्लू कलर की, ये भी अपना अलग लुक देती है। और बाकी के फीचर्स, BS6 है ये तो क्लासिक BS6, बट BS4 से कम पावर है इसमें, उतना तो है। साउंड में भी इसमें ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं है, क्योंकि BS4 जो स्टैंडर्ड है उसमें इससे ज़्यादा साउंड है, और क्लासिक BS4 जो है उसमें भी साउंड ज़्यादा है। BS6 में इन्होंने साउंड बहुत ज़्यादा कम किया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही थी भाई बुलेट में साउंड। बट एक चीज़ है, जब तक बुलेट में साउंड ना हो वो फील नहीं आता फिर चलाने में। मेन जो है फील आना चाहिए बाइक चलाने में, जब आप बाइक चला रहे हो ना तो उसमें फील आना चाहिए यार, अलग लेवल का फील आना चाहिए उसमें। जो कंपनी क्लेम करती है इसका माइलेज वो है इसका 41, बट अराउंड 32-33 दे देती है ये अभी। और इसका जो वेट है वो 195 है भाई, 195। RS 200 का आई थिंक 162-163 के करीब है, बट इसका 195 है। जो इसमें BHP है वो 20.21 PS है, और ये 27 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है भाई। मैक्स टॉर्क जो इसका है वो 27 Nm का है। तो बाकी के फीचर्स भी इसमें अलग अलग लेवल के हैं, लाइक कि BS6 को बहुत ज़्यादा इन्होंने इंक्रीज़ किया हुआ है। बट एक चीज़ है BS6 में, एक चीज़ मेरे को कमी दिखी कि जो साउंड BS4 में आ रही है वो इसमें नहीं आती है। जो BS4 में इसमें साउंड आती है वो BS6 में नहीं आती है, उतना प्रीमियम नहीं लुक मिलता। बट BS4 जो है ना वो बहुत सही है। एक मैं नेक्स्ट वीडियो में कंपेयर करने वाला हूँ BS6 वर्सेस BS4, क्योंकि हमारे पास BS4 भी एक बाइक है, तो हम इनको कंपेयर करेंगे, BS6 को और BS4 को आपस में कंपेयर करेंगे, और फिर देखते हैं। और इनके साथ ड्रैग एक भी होगी, BS4 बुलेट वर्सेस BS6 एक ड्रैग भी करेंगे हम, तो उसका भी हम पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि BS6 और BS4 में कितना है। बट एक चीज़ है कि इसके जो अलॉय है, अलॉय भी आप देख सकते हो, अभी हमने वॉश नहीं कराई क्योंकि यहाँ पे बारिश कंटिन्यू पड़ रही थी, तो अभी रिसेंटली आज ही धूप निकली है। तो इसके अलॉय भी देखो आप, अलॉय भी इसमें अलग चेंज, वो भी चेंज किए हुए, 25,000 के इसमें अलॉय पड़े हुए हैं इस टाइम हमको। और एग्जॉस्ट भी हमारा चेंज ही है, वैसे भी हमारे पास 3 एग्जॉस्ट है इसके, जिसके साइलेंसर है एक तो ये लगा हुआ है, इसके बगैर भी हमारे पास 2 पड़े हुए हैं, वो घर पे है, तो वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा दिखा देंगे कि वो 2 कौन से, और उनकी साउंड भी आपको सुनाएंगे हम कि उनमें साउंड कैसी है। उसके टॉप एंड तो हम आपको पता ही है, ज़्यादा हम टॉप एंड इनका लेते नहीं है बुलेट का, क्योंकि बुलेट को टॉप एंड से कंपेयर करना कोई फ़ायदा नहीं है। बट एक चीज़ कर सकते हैं हम, BS6 वर्सेस BS4 को हम ड्रैग करेंगे आपस में, फिर देखेंगे कौन सा जीतने वाला है उसमें। अभी थ्रॉटल, इसकी हेडलाइट देख लो भाई, अप पे कैसी रह रही है और लो बीम पे कैसी रह रही है, ये देखो। अभी लो बीम पे इसके नीचे वाले 2 बंद हो जाते हैं, हाई बीम पे ये दोनों ऑफ हो गए, ये ऑन हो गई भाई, अलग ही लेवल की यार ये BS6 है। तो गाइस एक्सीलेटर मैंने खुद एडजस्ट कर लिया, अब टेंशन नहीं है मुझे, देखो भाई अब मैं हाथ भी छोड़ रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं रह रही है भाई, ध्यान से चला ले भाई। अभी तो हम जा रहे हैं जिसकी ये बाइक है उसके पास, आगे मेरी स्कूटी लेके खड़े हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट, क्योंकि मेरे को अगर मैं कोई बाइक चला रहा हूँ, कुछ चला रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, लाइक कि अगर वो किसी और की भी बाइक हो। अभी जैसे मेरे को इसमें फील आ रहा था कि एक्सीलेटर की प्रॉब्लम आ रही है, बट मैंने तब भी ठीक कर लिया इसका एक्सीलेटर, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं चाहिए यार कि बाद में एडजस्ट हो जाए या नहीं हो, आगे जाके क्या सीन पड़े, बट मुझे चाहिए कि क्लियर सा चीज़, मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मुझे क्लियर चाहिए बिल्कुल। मैंने बाइक ली थी, इन्होंने बोला था कि मैं बुलेट निकाल रहा हूँ, मैंने RS निकाली थी, मेरे को भी मन कर रहा था बुलेट निकालने का, बट मैंने फिर RS 200 निकाली, क्योंकि एक फैमिली में आ रही थी बुलेट, तो मन नहीं चाहा कि दूसरी भी आ जाए बुलेट ही, इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट RS पे चले गया। तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं घर के लिए वापस। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है कमेंट, शेयर एंड लाइक, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कंपेयर वीडियो चाहिए, कंपेरिजन वीडियो चाहिए BS4 वर्सेज BS6। अगर आपको चाहिए क्लासिक 350 की BS6 और BS4, तो मैं इसकी वीडियो भी ला रहा हूँ, अगले ब्लॉग मेरे को पूरा इसी पे होने वाला है, BS6 और BS4।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल, गुड बाय।